आप सभी का एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। आज हम आर्थिक क्रिया एवं अनार्थिक क्रिया कक्षा 11वीं में व्यवसाय अध्ययन का चैप्टर है। पिछला वीडियो में हमने बताया था कि आर्थिक क्रिया या अनार्थिक क्रिया क्या होती है, इसके बारे में विस्तार से बताया है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको व्यवसाय अध्ययन का प्ले लिस्ट मिलेगा, उसमें आपको जो है पहला जो वीडियो है वो अपलोड किया हुआ है, उसको आप देख लीजिए पहले, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए आर्थिक एवं अनार्थिक क्रियाओं में अंतर, इस चीज़ों को समझेंगे हम। आर्थिक क्रिया क्या होती है, अनार्थिक क्रिया क्या होती है? तो जिस कार्य से हमको धन की प्राप्ति होती है वो हमारा क्या है, आर्थिक क्रिया है, और जिस कार्य से हमको धन की प्राप्ति नहीं होती वो हमारा क्या है, अनार्थिक क्रिया है। जैसे एक मजदूर जो है किसी दूसरे के यहाँ जा कर के काम करता है तो उसे जो धन प्राप्त होता है वो आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आएगा, ठीक है। लेकिन एक माँ जो है अपने बच्चे का लालन पालन पालन पोषण करती है, उसको कपड़ा धोती है, खाना बनाती है, उसके लिए ये सारा जो है अनार्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है। तो आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया क्या है, इसको मैंने पिछले वीडियो में विस्तार से समझाया हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को जा करके देखिए, आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो आर्थिक एवं अनार्थिक क्रिया में अंतर, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया में अंतर क्या होता है। तो देखिए आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं में निम्न अंतर है। पहला जो है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य लाभ या आय प्राप्त करना होता है, जबकि अनार्थिक क्रियाएं जो है निर्लाभ एवं बिना आय की होती है। जैसा कि मैंने बताया, अभी उदाहरण दिया कि एक माँ अपने बच्चों को पालन पोषण करती है या अपने बच्चे के लिए खाना बनाती है, कपड़ा धोती है, या जो भी काम करती है अपने बच्चे के लिए, वो क्या हो गया, एक प्रकार का अनार्थिक क्रिया है। उससे ना तो किसी प्रकार का अपनी माँ को लाभ हो रहा है, ना किसी प्रकार से उसके पास पैसे आ रहे हैं, ठीक है। वो अपने बच्चों के लिए सेवा करती है, ये अनार्थिक क्रिया के अंतर्गत आएगा। लेकिन कोई अगर बाई है किसी दूसरे के यहाँ जा कर के बच्चे का लालन पालन करती है और उस भाई को किसी दूसरे के यहाँ काम करने के लिए, बच्चे का लालन पालन करने के लिए उसको अगर पैसा मिलता है तो वो आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर अपनी माँ, खुद की माँ अगर इस काम को करती है तो अनार्थिक क्रिया के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस उद्देश्य से स्पष्ट है कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य लाभ या आय प्राप्त करना होता है, जबकि अनार्थिक क्रियाएं निर्लाभ मतलब बिना लाभ के या बिना आय की होती है। क्लियर हो गया होगा। फिर चलते हैं हम दूसरा जो है, आर्थिक मापदंड। आर्थिक मापदंड क्या है, यदि किसी कार्य को मुद्रा से मापा जाता है तो वह आर्थिक क्रिया होगी। क्या है आर्थिक मापदंड, मतलब मुद्रा से मापना। तो यदि किसी कार्य को हम किससे मापते हैं, मुद्रा से मापा जाता है तो वह क्या होगी, आर्थिक क्रिया होगी। और यदि उसे मुद्रा से नहीं मापा जाता तो वह अनार्थिक क्रिया होगी। जैसे मान लिया जाए एक मजदूर है और मजदूर जा कर के किसी के खेत में काम कर रहा है या किसी की फैक्ट्री में जा कर के काम कर रहा है और उसके बदले उसको वेतन मिल रहा है या मजदूरी भी मिल रही है, तो वो क्या हो जाएगा, आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आएगा, क्योंकि उसके बदले में उसको मुद्रा प्राप्त हो रहा है। मुद्रा मतलब धन प्राप्त हो रहा है, रुपया प्राप्त हो रहा है। और यही क्या है, जिसको हम मुद्रा से माप सकते हैं वो क्या है, हमारा आर्थिक क्रिया है। और जिसको हम मुद्रा से नहीं माप सकते उसे हम क्या कहते हैं, अनार्थिक क्रिया कहते हैं। फिर है भावना। तो आर्थिक क्रियाओं के पीछे आय प्राप्त करने की भावना छिपी रहती है, जबकि अनार्थिक क्रियाओं के पीछे आत्मसंतुष्टि, धार्मिक एवं शांति भावना छिपी रहती है। देखिए हम भी अगर मान लिया जाए किसी के यहाँ काम करने जाते हैं और हम इस उद्देश्य से जाते हैं कि हम उस काम को करेंगे तो हमको उस काम को करने के एवज में हमें क्या मिलेगा, धन प्राप्त होगा, मतलब पैसे की प्राप्ति होगी, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, आर्थिक क्रिया हो जाएगा। मतलब जो भी व्यक्ति अगर काम करता है और उसके मन में भावना होती है कि इसके बदले में मुझे धन की प्राप्ति होगी, तो वह क्या है, आर्थिक क्रिया है। तो आर्थिक क्रिया के पीछे में आय प्राप्त करने की भावना छिपी रहती है हर मनुष्य के में, ठीक है, जबकि अनार्थिक क्रियाओं के पीछे में आत्मसंतुष्टि, धार्मिक एवं शांति भावना छिपी रहती है। तो वो अनार्थिक क्रिया कैसे, मान लिया जाए आप किसी को आप जा रहे हैं कि मोटरसाइकिल में कहीं, और बीच में अगर कोई राही मिल गया, पैसेंजर मिल गया, तो उसको आप बैठा करके छोड़ कहीं जगह जहां जा रहे हैं वहां तक वह जाना चाहता था, आप छोड़ दिए,
तो अगर आप उससे पैसा ले रहे हैं तो आर्थिक क्रिया है, लेकिन आप उसको ऐसी सेवा भावना से अगर छोड़ रहे हैं तो क्या हो गया, अनार्थिक क्रिया के अंतर्गत आएगा। मान लीजिए किसी को चोट लग गई रास्ते में, आप उसको हॉस्पिटल ले जा करके उसको पट्टी वट्टी बंधवा दिए, मतलब एक प्रकार का क्या हो गया, आप सेवा भावना कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, एक अनार्थिक क्रिया के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो स्पष्ट हो गया आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया में। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, संतुष्टि धार्मिक तथा शांति भावना छिपी रहती है। धार्मिक मतलब होता है, मान लीजिए आप किसी प्रकार का पूजा पाठ वाले काम करवा रहे हैं, या फिर आप मंदिर जा रहे हैं, मंदिर में जा करके पूजा कर रहे हैं, है ना, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का अनार्थिक क्रिया के अंतर्गत आएगा। ठीक है, उसके बाद है देखो तीसरा, चौथा है, चौथा में आर्थिक क्रियाओं से मनुष्य की आय, जीवन स्तर व राष्ट्रीयता प्रभावित होती है। तो आर्थिक क्रिया से क्या होगा, मनुष्य की आय, आय में तो जाहिर सी बात है कि जब मनुष्य जो है आर्थिक क्रिया करेगा तो उसको उसके बदले में क्या मिलेगा, धन प्राप्त होगा। और धन प्राप्त होगा मतलब मनुष्य की आय, उसका जीवन स्तर क्या होगा, ऊंचा उठेगा। जिस हिसाब से उसकी आय रहेगी उसी हिसाब से उसका जीवन स्तर रहेगा, वह उसकी राष्ट्रीयता भी प्रभावित होती है। जबकि अनार्थिक क्रियाओं से मानवीय चरित्र, सम्मान व सामाजिक मूल्य प्रभावित होते हैं। आजकल देखे होंगे कि कई लोग समाज सेवा के नाम पर काम करते हैं, बिना किसी से एक रुपया पैसा लिए, है ना, बिना किसी के पैसे के समाज सेवा का कार्य करते हैं, तो वो जो है वो अनार्थिक क्रिया के अंतर्गत आएगा। इससे क्या होता है, मनुष्य का जो चरित्र है, सम्मान है, समाज में एक सम्मान प्राप्त करता है, उसका सामाजिक मूल्य बनता है, ये सारे जो है क्या है, अनार्थिक क्रिया के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो आर्थिक क्रियाओं से मनुष्य की आय, जीवन स्तर व राष्ट्रीयता प्रभावित होती है, जबकि अनार्थिक क्रियाओं से मानवीय चरित्र, सम्मान व सामाजिक मूल्य प्रभावित होते हैं। फिर उपयुक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आर्थिक एवं अनार्थिक क्रियाओं के मध्य ऐसी कोई रेखा नहीं है जिसे मिटाया ना जा सके। ठीक है, आर्थिक व अनार्थिक क्रियाओं के मध्य ऐसी कोई रेखा नहीं है जिसे मिटाया ना जा सके। एक ही क्रिया एक समय में आर्थिक और दूसरे समय में अनार्थिक हो सकती है। ठीक है, एक ही क्रिया एक समय में आर्थिक हो सकती है और दूसरे समय में अनार्थिक हो सकती है, बोल रहा है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया, इसके अंतर को भी आप समझ गए होंगे। तो देखिए आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया में अंतर के कितने बिंदु हैं, चार बिंदु दिया हुआ है। पहला उद्देश्य, दूसरा आर्थिक मापदंड, तीसरा भावना और चौथा प्रभाव। चार बार पांच बार किसी भी चीज़ को आप दोहराते हैं तो आपका जो दिमाग है वो जो है उस चीज़ों को कैच करना शुरू कर देता है। जैसे यहाँ पर पॉइंट है, आप पाँच बार दस बार इसको रिपीट करेंगे तो वो चीज़ें अपने आप याद होनी शुरू हो जाती है। तो पहला है उद्देश्य, आर्थिक मापदंड, भावना, प्रभाव। उद्देश्य, आर्थिक मापदंड, भावना, प्रभाव, बोलते जाइए। उद्देश्य, आर्थिक मापदंड, भावना, प्रभाव। उद्देश्य, आर्थिक मापदंड, भावना, प्रभाव। इस प्रकार से आपको पाँच बार दस बार कोई भी चीज़ को आप रिपीट करेंगे, लिख लिख करके देखिए, सारा चीज़ जो है याद होते जाएगा, आपके दिमाग में बैठते जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आर्थिक कार्यकलापों के प्रकार में यहाँ पर जैसे कि नीचे प्रदर्शित है, आर्थिक क्रियाओं या धंधों को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है, कौन कौन सी श्रेणियां हैं, तो पहला देखिए आर्थिक क्रिया में व्यवसाय, दूसरा पेशा और तीसरा नियोजन या रोजगार। आर्थिक क्रिया में व्यवसाय, पेशा, नियोजन या रोजगार। तो व्यवसाय क्या है, तो व्यवसाय में क्या क्या चीज़ें आती है, पेशा में क्या क्या चीज़ें आती है और नियोजन या रोजगार में, तो व्यवसाय देखो उद्योग, व्यापार, विनिमय, परिवहन, भंडार, बैंक, बीमा, विज्ञापन आदि क्या है, व्यवसाय के प्रकार है। ठीक है, जबकि पेशा के अंतर्गत हम डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, नाचना गाना, निर्देशन, गीत गाना आदि को हम क्या लेते हैं, पेशा। ऐसा कार्य जिसको करने के लिए विशेष शिक्षण एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है वह क्या कार्य क्या कहलाता है, पेशा कहलाता है। पेशे में क्या होता है, पेशा में जो व्यक्ति है वह सेवा प्रदान करता है, सेवा के बदले में वो आपसे क्या लेता है, धन प्राप्त करता है, रुपया लेता है। ठीक है, तो सेवा के बदले में वो जो है अपनी फीस लेता है, रुपया प्राप्त करता है। जैसे एक डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर जो है आपको किसी वस्तु का विक्रय नहीं करता, वो केवल अपनी सेवा देता है। आपको क्या लग रहा है आप उसके सामने जा करके बताते हैं, वो आपको आपके बॉडी को चेक करता है, हाथ को पकड़ करके या फिर जैसे भी आपके जो भी समस्याएं उसके हिसाब से,
और उसके बदले में आपसे क्या लेता है, एक फीस लेता है, ठीक है। उसी प्रकार वकील के पास जाते हैं तो आपका केस को सॉल्व करने के लिए वो फीस लेता है। इंजीनियर भी उसी प्रकार से है, आपको घर बनवाना है या और किसी काम है तो आप इंजीनियर के पास जाते हैं और इंजीनियर क्या करता है, आपके सारे काम को करता है और उसके बदले में क्या लेता है, फीस लेता है, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी ठीक उसी प्रकार का है। और नाचना गाना, गीत गाना आदि, ये क्या है, एक प्रकार का सेवा का कार्य है, ठीक है। और उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, नियोजन और रोजगार। तो शिक्षक, प्रबंधक, क्लर्क, विक्रयकार, सहायक कलेक्टर, आयुक्त, सचिव, कर्मचारी आदि, ये क्या है, रोजगार हैं, नियोजन है, नियोजन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो शिक्षक भी क्या करता है, आपको एक प्रकार का शिक्षक भी पेशा के अंतर्गत ही आता है, समझिए। तो शिक्षक भी क्या करता है, आपको सेवा देता है, ठीक है। और प्रबंधक, क्लर्क, ये सारे जो है नियोजन या रोजगार के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, व्यवसाय की अवधारणा एवं लक्षण या विशेषताएँ। व्यवसाय की अवधारणा क्या है, लक्षण इसके क्या हैं, मतलब विशेषताएं इसके क्या है, आज इसको समझेंगे। तो व्यवसाय एक विस्तृत शब्द है, व्यवसाय क्या है, एक विस्तृत शब्द है, मतलब बहुत बड़ा शब्द है, ठीक है। व्यवसाय एक विस्तृत शब्द है, यहाँ पर देखिए, व्यवसाय एक विस्तृत शब्द है और लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय, भंडारण, विज्ञापन व उत्पादन करना व्यवसाय कहा जाता है। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, वो अगर लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से कोई काम कर रहा है या वस्तुओं का लेन देन कर रहा है तो क्या होगा, वह व्यवसाय कहलाएगा। इसमें देख लीजिए, लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय करना, विक्रय भंडारण, विज्ञापन व उत्पादन करना व्यवसाय कहा जाता है। व्यावसायिक क्रियाओं में उद्योग, व्यापार, विनिमय, परिवहन, उत्पादन, भंडार, बैंक एवं बीमा, संवेष्टन, विज्ञापन आदि से संबंधित समस्त क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं, ठीक है। तो व्यावसायिक क्रिया में क्या क्या क्रिया आता है, तो उद्योग आते हैं, व्यापार आते हैं, उद्योग व्यापार, उद्योग मतलब फैक्ट्रियाँ जितने भी हैं जहाँ पर कच्चे माल को निर्मित माल में बदला जाता है, ठीक। व्यापार जहाँ पर जो माल है उसको हम क्या करते हैं, लेन देन करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं। उसके बाद विनिमय, लेन देन करने, और परिवहन, परिवहन मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर माल को पहुंचाने में, उत्पादन, उत्पादन मतलब वस्तुओं का प्रोडक्शन करना, उत्पादन करना, फिर भंडारण मतलब एक जगह उसको क्या करना, संग्रहित करके रखना, बैंक, बीमा, ये सब भुगतान के प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। संवेष्टन मतलब पैकिंग, किसी भी वस्तु का पैकिंग अच्छा रहता है तो वस्तु का मूल्य भी अच्छा मिलता है, ठीक है। तो संवेष्टन मतलब पैकिंग, विज्ञापन, विज्ञापन मतलब प्रचार प्रसार करना आदि से संबंधित समस्त क्रियाएं व्यावसायिक क्रियाओं के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, व्यवसाय अंग्रेजी शब्द बिजनेस का हिंदी रूपांतरण है। देखिएगा आजकल सभी बोलते हैं कि क्या करता है, तो बिजनेस करता है, ठीक है। तो व्यवसाय जो है अंग्रेजी शब्द किसका, बिजनेस का, बिजनेस का हिंदी रूपांतरण है। बिजनेस शब्द अंग्रेजी के दो शब्द बिजी प्लस नेस से मिलकर के बना है, जहां बिजी मतलब, बिजी से तात्पर्य व्यस्त या व्यस्तता से है, जबकि नेस का आशय क्रिया का लगातार होना से है, ठीक है, क्रिया का लगातार होना से है। तो इस प्रकार जो है व्यवसाय जो है दो शब्द से बनकर मिल करके बना है, बिजी प्लस नेस, बिजी मतलब व्यस्तता और नेस मतलब लगातार किसी भी कार्य को, क्रिया को लगातार होना, इसे क्या कहते हैं। इस प्रकार बिजनेस का आशय किसी कार्य में व्यस्त रहने से या व्यस्त रहने की दशा से है, ठीक है, व्यस्त रहने या व्यस्त रहने की दशा से है। व्यवसाय अति व्यापक एवं लोचदार शब्द है। व्यवसाय क्या है, अति व्यापक एवं लोचदार शब्द है। इसके व्यापक अर्थ में मानव के प्रत्येक क्रियाओं को शामिल किया जाता है, मानव के जो प्रत्येक क्रियाएं हैं उसको शामिल, कौन सी क्रियाएं, तो आर्थिक क्रियाओं को, ठीक है, मानव की प्रत्येक आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है। वाणिज्य शास्त्र में व्यवसाय के अंतर्गत उन मानवीय आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनका लक्ष्य समाज की आवश्यकताओं की संतुष्टि करना होता है। तो क्या बोल रहा है, तो वाणिज्य शास्त्र में उन क्रियाओं को, मानवीय आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनका लक्ष्य क्या होता है, समाज की आवश्यकताओं की
पूर्ति करना या संतुष्टि करना होता है, ठीक है। इस प्रकार व्यवसाय का आशय उन मानवीय आर्थिक क्रियाओं से है जो समाज की आवश्यकताओं को पूरा करके लाभार्जन के उद्देश्य से वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण के लिए की जाती है, ठीक है। तो इसको इस यहाँ पर से अंडरलाइन कर सकते हैं आपने अपने बुक में, मानवीय आर्थिक क्रियाओं से आशय, मानवीय आर्थिक क्रियाओं से मतलब व्यवसाय का आशय उन मानवीय आर्थिक क्रियाओं से है जो समाज की आवश्यकताओं को पूरा करके लाभार्जन के उद्देश्य से वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण के लिए की जाती है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि व्यवसाय लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया प्रत्येक कार्य क्या कहलाएगा, व्यवसाय कहलाएगा, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, समाज की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, ठीक। तो ये हो गया। अब परिभाषा यहाँ पर देखिए, व्यवसाय की अवधारणा की स्पष्टता के लिए हमें प्रसिद्ध वाणिज्य शास्त्रियों के कथनों पर विचार करना होगा। व्यवसाय की कुछ बहुमान्य परिभाषाएं निम्न प्रकार से हैं। एलएच हैने के अनुसार व्यवसाय से आशय उन सब मानवीय क्रियाओं से है जो वस्तु के क्रय विक्रय से धन उत्पन्न करने अथवा धन प्राप्ति के लिए की जाती है। क्या बोल रहा है एलएच हैने जी, कह रहे हैं कि व्यवसाय से आशय उन सब मानवीय क्रियाओं से है जो वस्तुओं के क्रय विक्रय से धन उत्पन्न करने अथवा धन प्राप्ति के लिए की जाती है। क्लियर हो गया। इसी प्रकार और भी परिभाषाएं हैं, आप एक दो परिभाषाओं को अच्छे से रट लीजिए, बाकी परिभाषाओं को आपको याद करने की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो एक दो परिभाषाएं जो आपको सरल लगे, प्रश्न में अगर क्या बोलते परीक्षा में आता है तो एक आप उसके किसी भी अर्थशास्त्री के आप परिभाषा को लिख देंगे तो भी आपको अच्छे नंबरों से अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसमें से किसी भी परिभाषा को याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, उपयुक्त परिभाषाओं में व्यवसाय को उत्पादन एवं धन की प्राप्ति के लिए संचालित की जाती है। कुछ वाणिज्य शास्त्रियों ने इसके रूप का इतना सॉरी वाणिज्य शास्त्री हैं ये, है ना, वाणिज्य इसके रूप का इतना विस्तार कर दिया है कि मानव संपूर्ण मानव जीवन को व्यवसाय के अंतर्गत ले लिया गया है। जैसे व्यवसाय से अभिप्राय उस क्रियाविधि से है जिसके द्वारा मनुष्य जीवन यापन करता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए उपयुक्त परिभाषा में क्या है, अगर प्रकार से दी गई है, यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया गया है, ठीक है। तो आप जो है एक हिंदी का परिभाषा किसी भी परिभाषा को याद कर लीजिएगा, परीक्षा में आएगा तो उसको लिख सकते हैं आप। फिर है यहाँ पर देखिए, व्यवसाय के अंतर्गत वे समस्त मानवीय प्रयास व क्रियाएं आती है जो वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन संग्रहण तथा वितरण के लिए की जाती है। देखिए उत्पादन संग्रहण मतलब भंडार करके रखना, वितरण मतलब एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा करके वस्तुओं को उपभोक्ता तक पहुंचाना, ये क्या कहलाता है, वितरण के अंतर्गत आता है। तथा जिनका उद्देश्य अपनी सेवाओं द्वारा समाज की आवश्यकताओं को पूरा कर लाभ कमाना होता है। इन समस्त क्रियाओं से मनुष्य का जीवन स्तर उठता है। इस प्रकार व्यवसाय एक गतिशील प्रक्रिया है जो हमारे जीवन के साथ सदैव चलती रहती है। जैसा कि व्हीलर ने कहा कि मौसम की भांति व्यवसाय भी सदैव हमारे साथ रहता है। जाहिर सी बात है, सही बात उन्होंने कहा है कि मौसम की भांति व्यवसाय भी सदैव हमारे साथ रहता है। व्यवसाय की विशेषताओं को आप चर्चा कर लेते हैं, व्यवसाय की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो देखिए व्यवसाय की विशेषताओं में, व्यवसाय किसी भी क्रिया को ठीक से समझने के लिए उसके लक्षण एवं विशेषताओं की जानकारी आवश्यक है। उदाहरण के लिए यदि यह प्रश्न किया जाए कि किस आर्थिक क्रिया को व्यवसाय कहेंगे, तब हम व्यवसाय की विशेषताओं पर ध्यान देना होगा, अर्थात हम उन आर्थिक क्रियाओं को व्यवसाय कहेंगे जिनमें निम्न विशेषताएँ हो। देखिए कौन से आर्थिक क्रिया को हम व्यवसाय कहेंगे, तो यहाँ पर देखिए वस्तु या सेवा का हस्तांतरण हो, वस्तु या सेवा का हस्तांतरण मतलब व्यवसाय के अंतर्गत क्या होता है, वस्तु और सेवा का हस्तांतरण होता है, ठीक है। हस्तांतरण होना मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ में, ठीक है। तो व्यवसाय में क्या होता है, जो उत्पादन करता है उत्पादक है, उत्पादक से वस्तु क्या होता है व्यापारी के पास पहुंचता है, व्यापारी से वह जो है उपभोक्ता तक वस्तुओं का हस्तांतरण होता है, ठीक। फिर उसके बाद है उद्देश्य लाभार्जन हो, तो व्यवसाय कोई भी अगर व्यक्ति व्यवसाय करता है मतलब वो या बिजनेस करता है तो क्या करता है, वो आर्थिक
क्रिया करता है। आर्थिक क्रिया के अंतर्गत वो लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य करता है। कोई भी जो दुकानदार है वो बिना लाभ के आपको सामान बिक्री नहीं करेगा। तो उद्देश्य क्या हो गया, व्यवसाय का उद्देश्य लाभार्जन हो गया। फिर क्रिया में निरंतरता या नियमितता हो, मतलब क्रिया कैसी होनी चाहिए, निरंतर होनी चाहिए। आप देखे होंगे जब भी आप दुकान जाते हैं तो उनकी क्रियाओं में क्या होती है, निरंतरता, मतलब डेली आते हैं, डेली व्यवसाय करते हैं, मतलब बिजनेस करते हैं, डेली वस्तुओं का लेन देन होता है, ठीक है। तो ये निरंतरता हमेशा बनी रहती है। प्रतिफल का आधार निश्चितता या जोखिम, प्रतिफल का आधार कैसा होता है, निश्चितता या जोखिम। मतलब कभी कभी क्या होता है बिजनेस में, या तो आपको बहुत अधिक मात्रा में लाभ हो जाएगा, या कभी कभी जो है आपको जोखिम वहन करना पड़ता है। किसी चीज़ में हानि हो गई तो उसको जोखिम को आपको सहन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका प्रतिफल का आधार क्या है, अनिश्चितता या जोखिम हो। और वैधानिक हो, वैधानिक हो मतलब ऐसा कार्य जिसको करने के लिए शासन की अनुमति दी गई हो, ऐसे कार्यों को आपको कर रहे हैं तो वो व्यवसाय के अंतर्गत आ रहे हैं। मान लीजिए आप शराब की बिक्री कर रहे हैं और शासन ने उस पर प्रतिबंध लगा करके रखा है कि आपको शराब की बिक्री नहीं करनी है, या किसी प्रकार के मादक या नशीले पदार्थों का आपको जो है बिक्री नहीं करना है, और आप उसका व्यवसाय कर रहे हैं, आप उसका लेन देन कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो वो जो है व्यवसाय की श्रेणी में नहीं आएगा, ठीक है। वो जो है अवैध व्यवसाय हो जाएगा, अवैध व्यापार कहते हैं उसको, ठीक है। तो वो व्यवसाय की श्रेणी में नहीं है हो आएगा। और ऐसी स्थिति में जो है सरकार, ऐसी स्थिति में जो है पुलिस जो है आपको पकड़ करके थाने में बंद कर सकते हैं, जेल में बंद कर सकते हैं, आपको सजा हो सकती है, ठीक। तो आपको याद रखना है कि व्यवसाय वैधानिक हो, मतलब कानून की दृष्टि से उसको मान्यता प्राप्त हो, ठीक। उसके बाद अतएव व्यवसाय की अवधारणा की स्पष्टता के लिए उसके लक्षणों पर विशेष ध्यान देना होगा। अब लक्षण क्या क्या हैं देख लीजिए, ये तो उसके क्या है विशेषता के अंतर्गत, मतलब ये चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ पर उसकी विशेषता को और स्पष्ट किया है कि व्यवसाय की विशेषता क्या क्या है। तो पहला मानवीय आर्थिक क्रियाएँ, मानवीय आर्थिक क्रियाएँ किसके अंतर्गत, विशेषता के अंतर्गत। व्यवसाय की विशेषता क्या है, पहला मानवीय आर्थिक क्रियाएं, दूसरा विनिमय संबंधी क्रियाएं, तीसरा उपयोगिता का सृजन, चौथा लाभार्जन उद्देश्य। देखिए दो तीन चीज़ों को आप याद रखिए, पहले तीन तीन चीज़ों तीन ठों को पकड़िए, पहले मानवीय आर्थिक क्रियाएं, विनिमय संबंधी क्रियाएं और उपयोगिता का सृजन, तीन को याद रखिए, मानवीय आर्थिक क्रियाएं, विनिमय संबंधी क्रियाएं और उपयोगिता का सृजन, और चौथा है लाभार्जन उद्देश्य, अनिश्चितता या जोखिम, वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान। लाभार्जन उद्देश्य, अनिश्चितता या जोखिम, वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान, क्रियाओं में निरंतरता, समाज को लाभ, वैधानिकता और साहस। इन आपको 10 पॉइंट को अच्छे से रटना है, ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है। आप दो चार बार, पांच बार, दस बार दोहराएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। मानवीय आर्थिक क्रियाएं, विनिमय संबंधी क्रियाएं और उपयोगिता का सृजन, तीन हो गया। उसके बाद लाभार्जन, अनिश्चितता या जोखिम और वस्तुएँ और सेवाओं का आदान प्रदान। व्यवसाय में तो वस्तु और सेवाओं का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, व्यवसाय के अंतर्गत सिर्फ आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, अनार्थिक क्रियाएं व्यवसाय के क्षेत्र अंतर्गत नहीं है। मतलब मानवीय आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है, अनार्थिक क्रिया को शामिल नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त आर्थिक क्रियाएं सिर्फ मानव द्वारा संपन्न की जाए, मतलब आर्थिक क्रिया जो है मानव के द्वारा संपन्न की जा रही है उसी को हम व्यवसाय के श्रेणी में मानेंगे। पशु पक्षी की क्रियाओं को सम्मिलित नहीं किया जाता, पशु पक्षी व्यवसाय है तो मानव के साधन हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त मनुष्य को सामाजिक होना चाहिए, साधु ऋषि नहीं। मनुष्य क्या होना चाहिए, साधु, मतलब सामाजिक होना चाहिए, साधु या ऋषि नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जो है मानवीय आर्थिक क्रिया है, ठीक। पशु पक्षी उसके साधन हो सकते हैं, जैसे आप बैलगाड़ी रखे हैं या घोड़ा गाड़ी रखे हैं, वो उसके माध्यम से अगर आपको प्राप्ति हो रहा है तो वो आपका साधन है, ना कि उन लोग वो खुद व्यापार करते हैं, आप के साधन है, आप उन साधनों से आप धन अर्जित करते हैं, इसलिए जो है वो आपके आर्थिक क्रिया के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। उसके बाद विनिमय संबंधी क्रियाएं, तो वस्तुएं और सेवाओं का विनिमय होना आवश्यक लक्षण है। वस्तु और सेवाओं का क्या है, वस्तु और सेवाओं का विनिमय, विनिमय मतलब लेन देन होना क्या है, आवश्यक लक्षण है। बिना लेन देन के आप व्यवसाय की कल्पना नहीं कर सकते, ठीक है। वाणिज्य शास्त्री प्रोफेसर हैने के शब्दों में व्यवसाय विनिमय पर आधारित है। व्यवसाय किस पर आधारित है, विनिमय पर, ठीक। और अर्थशास्त्री सिल्वरमैन के शब्दों में दो पक्षों के बीच होने वाले ऐच्छिक वैधानिक तथा पारस्परिक धन के हस्तांतरण को विनिमय कहते हैं। धन के हस्तांतरण को या वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन अगर कर रहे हैं, है ना, जैसे आप दुकान में जाते हैं तो क्या करते हैं, आप या तो धन देंगे, ठीक है,
मतलब धन के बदले में आप क्या लेते हैं, सामान खरीदते हैं, ठीक है, या तो आप वस्तु से वस्तु विनिमय कर सकते हैं, वस्तु दे करके वस्तु कुछ ले सकते हैं। पुराने समय में क्या करते थे, व्यक्ति जो है एक बोरा धान या एक थैला धान लेकर के जाता था, उसके बदले में अगर उसको कुछ लेना रहता था तो दुकानदार उसको बताता था कि आपका धान जो है इतने का हो रहा है, आप इतने का क्या सामान लेना चाहते हैं, और व्यक्ति उस धान के बदले में कुछ कुछ सामान खरीद करके लाता था। पहले जो है जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था तो वस्तु विनिमय ही चलता था, लेकिन जैसे जैसे मुद्रा का आविष्कार होते गया तो वस्तु विनिमय की जो प्रथा थी वो कम होते गई और मुद्रा से फिर लेन देन आगे बढ़ता गया। लेकिन आज भी देहात में कई जगह ऐसा होता है जहाँ पर लोगों के पास पैसा नहीं रहता है, तो अपने घर के जो धान है उसको ले जा करके, या जो भी चावल है उसको ले जा करके, उसके बदले में लोग बाग जो है कुछ कुछ खरीद करके ले आते हैं किराना दुकान से। आज भी ये ऐसा देहात में देखने को मिलता है, ठीक है, गांव में देखने को मिलता है। इस प्रकार विनिमय संबंधी क्रिया हो गया। फिर उपयोगिता का सृजन, तो उपयोगिता सृजन को वस्तु का निर्माण कहते हैं। उपयोगिता सृजन को क्या कहते हैं, वस्तु का निर्माण कहते हैं। वस्तुओं का निर्माण व्यक्ति, समाज एवं संपूर्ण राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है। उपयोगिता का सृजन अनेक प्रकार से किया जा सकता है। व्यावसायिक क्रियाकलापों के रूप में परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, अधिकार परिवर्तन द्वारा प्रायः वस्तुओं का निर्माण होता है। उपयोगिता का सृजन मतलब कोई चीज़ है उसको हम क्या करते हैं, उपयोगी बना देते हैं, उपयोगी बना। जैसे मान लीजिए मिट्टी है, मिट्टी से हम क्या बनाते हैं, ईंट बना सकते हैं, मिट्टी से बर्तन बना सकते हैं, ठीक है, मिट्टी से मिट्टी का बर्तन बनता है, मिट्टी से और बहुत सारे चीज़ें बनते हैं, ठीक है, मिट्टी का दिया बनता है। तो ये क्या है, हम उस मिट्टी से क्या बन रहे हैं, कर रहे हैं, उपयोगिता का सृजन कर रहे हैं, मतलब उस मिट्टी से अच्छे अच्छे चीज़ों को बना करके हम उसकी उपयोगिता बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या बोल रहा है कि रूप परिवर्तन, यहाँ पर देखिए व्यावसायिक क्रियाकलापों में रूप परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, अधिकार परिवर्तन द्वारा प्रायः वस्तुओं का निर्माण होता रहता है, ठीक है। उसके बाद देखिए लाभार्जन उद्देश्य, तो व्यावसायिक क्रियाओं का मूल उद्देश्य लाभार्जन होता है। व्यावसायिक क्रियाओं का मूल उद्देश्य क्या होता है, लाभार्जन होता है। बिना लाभ के कोई भी व्यवसाय नहीं हो सकता, ठीक है। व्यवसाय का स्वामी साहसी होता है, साहसी मतलब हिम्मत वाला होता है, क्योंकि उसको लाभ और हानि हो सकता है, तो इस जोखिम को जो सहन कर सकता है वही व्यक्ति क्या कर सकता है, व्यवसाय कर सकता है। तो साहसी को जोखिम वहन करने के कारण जो प्रतिफल प्रदान किया जाता है अर्थशास्त्र में उसे लाभ कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, लाभ कहा जाता है। जोखिम वहन करता है, जोखिम मतलब एक प्रकार का क्या है, जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी वहन करता है, या तो उसको लाभ होगा या हानि हो सकता है। तो ये जो अनिश्चितता है इसको वहन करता है, जिसके जिसके प्रतिफल में उसको क्या मिलता है, लाभ प्रदान किया जाता है, मतलब लाभ मिलता है, उसके प्रतिफल में क्या मिलता है, लाभ मिलता है, लाभ मिलता है। इस प्रकार व्यवसाय का स्वामी लाभ प्राप्त करता है। यदि उसे लाभ की आशा न हो तब वह व्यवसाय प्रारंभ ही नहीं करेगा। अगर उसको लाभ की आशा नहीं होगी तो वो व्यवसाय क्यों प्रारंभ करेगा, ठीक है, तो उस व्यवसाय प्रारंभ ही नहीं करेगा। इसलिए वाणिज्य शास्त्री इल्विन थॉमस मौद्रिक आय को व्यवसाय का प्रमुख उद्देश्य मानते हैं और व्यवसाय में निहित लाभ तत्व के महत्व को प्रतिदिन प्रतिपादित करते हुए कुछ वाणिज्य शास्त्रियों का कथन है कि बिना लाभ के व्यवसाय व्यवसाय नहीं है, ठीक है, बिना लाभ के व्यवसाय व्यवसाय नहीं है। फिर है अनिश्चितता या जोखिम, अनिश्चितता या जोखिम को देख लीजिए, तो सभी व्यवसाय का यह प्रमुख लक्षण है कि वह जोखिम युक्त होता है। क्या होता है, जोखिम युक्त, उसमें हानि भी हो सकती है, लाभ भी हो सकता है। मान लीजिए आप सब्जी का व्यवसाय कर रहे हैं, सब्जी के व्यवसाय या सब्जी का व्यापार कर रहे हैं, तो क्या होगा, सब्जी के व्यवसाय में भी हो सकता है आपका सब्जी उसी दिन बिक जाए, या फिर वो सब्जी क्या हो जाएगा, सड़ गया, तो सड़ गया तो आपको क्या होगी, उससे हानि हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार जो है अनेक चीज़ें हैं जो कच्चे चीज़ों का जो व्यापार है उसमें हानि अधिक होती है, अनिश्चितता बहुत अधिक रहती है, ठीक है। उसी प्रकार सभी प्रकार के व्यवसाय में अनिश्चितता जोखिम भरा रहता है, ठीक है, जोखिम का प्रकार अलग अलग हो सकता है। तो सभी व्यवसाय का प्रमुख लक्षण है कि वह जोखिम मुक्त होता है तथा उसमें अनिश्चितता होती है, इसी कारण सदैव लाभ नहीं होता, हानि भी हो सकती है। यह अनिश्चितता तीन प्रकार की होती है, प्राकृतिक, औद्योगिक एवं राजनीतिक। तीन प्रकार की जो है क्या हो सकती है, अनिश्चितता हो सकती है। प्राकृतिक, देखिए व्यवसाय की अनिश्चितता एवं उसके फलस्वरूप जोखिम की संभावना का कम अधिक होना अनुमानों की यथार्थता एवं व्यवसायी की दूरदर्शिता पर निर्भर है। यही कारण है कि किसी व्यवसाय में जोखिम की मात्रा कम है तो किसी में अधिक
लेकिन अनिश्चितता या जोखिम का तत्व प्रत्येक व्यवसाय में निश्चित होता है। जाहिर सी बात है कि किसी व्यवसाय में जोखिम कम होता है और किसी व्यवसाय में जोखिम अधिक होता है, वो व्यवसाय की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, उसके बाद देखिए वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान। तो व्यवसायिक क्रियाएं वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान पर अवलंबित होती है। क्या होती है? व्यवसायिक क्रिया में, व्यवसाय में हम क्या करते हैं? वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं। जिन वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय एवं हस्तांतरण नहीं होता, उसे व्यवसाय के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जा सकता। मतलब जिन वस्तुओं का व्यवसाय में क्या होता है, व्यवसाय के मुख्य मतलब विशेषता के अंतर्गत है कि उसमें वस्तुओं और सेवाओं का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। और जिन वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय एवं हस्तांतरण नहीं होता, उसे व्यवसाय के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकता के लिए वस्तु का निर्माण करता है, तब उसके निर्माण कार्य को व्यवसाय के अंतर्गत नहीं लिया जा सकता। सही बात है, हम अगर अपने काम के लिए, अपने लिए अगर कोई वस्तु बना रहे हैं तो वो व्यवसाय के अंतर्गत नहीं आएगा। हम अगर उसको विक्रय करने के उद्देश्य से बना रहे हैं तो व्यवसाय के अंतर्गत आएगा। वस्तुओं के लेन देन की क्रिया निरंतर होती रहनी चाहिए। फिर है सातवां, क्रियाओं में निरंतरता। तो व्यवसाय का यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण लक्षण है कि मानवीय क्रियाओं में निरंतरता एवं नियमितता हो। निरंतरता मतलब लगातार हो, और नियमित रूप से मतलब लगातार चलता ही रहिए, नियमित रूप से हो। ठीक, तो किसी एक व्यवहार को हम व्यावसायिक क्रियाकलाप नहीं कह सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास कोई वस्तु अधिक है तथा वह उनमें से कुछ वस्तुओं को बेच देता है, तब उसके इस कार्य को व्यवसाय नहीं कहेंगे। मतलब कोई व्यक्ति है जिसके पास मान ले जाए कुछ सामान है, कोई सामान है, उसमें से अगर उसके पास थोड़ा बहुत अधिक है तो उसको क्या कर दिया, वो बेच देता है, तो भी इस कार्य को हम व्यवसाय नहीं कहेंगे। लेकिन यदि वह इन वस्तुओं को बेचने का कार्य निरंतर करता रहता है, तब उसे हम व्यवसाय कहेंगे। ठीक है, मान लीजिए आपके पास घर में खाने का जो चावल है वो है, और लेकिन आपकी आवश्यकता से अधिक है, तो आप अगर उसको बेच रहे हैं तो व्यवसाय के श्रेणी में नहीं आएगा। अगर आप के चावल का लेन देन या व्यापार कर रहे हैं, मतलब हमेशा रोज बेच रहे हैं चावल, है ना, डेली का लेन देन कर रहे हैं, तो वो व्यवसाय की श्रेणी में आएगा। और आप कभी कभार जा करके दुकान में बेच रहे हैं तो वो जो है व्यवसाय की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, उदाहरण से समझा दिया हूँ आपको। फिर है समाज को लाभ। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है। व्यवसायी को यह हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि व्यवसाय से उसके साथ ही समाज को भी लाभ प्राप्त हो। क्या बोल रहा है कि व्यवसाय से क्या होना चाहिए, समाज को लाभ प्राप्त हो। उसके सामाजिक उत्तरदायित्व को हम इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। देखिए, कोई भी जो व्यवसायी है वो व्यवसाय कहाँ करेगा, तो समाज में करेगा। हम सभी लोग कहाँ रहते हैं, तो एक समाज के अंतर्गत रहते हैं। हमसे मिल करके हमारा परिवार बनता है, और कई परिवारों से मिल करके क्या बनता है, समाज बनता है। और उस समाज में ही हम क्या करते हैं, व्यवसाय करते हैं, अपना दुकान खोलते हैं, और अपने दुकान से फिर वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। ठीक है, तो व्यवसाय में, व्यवसाय जो करने वाला है उसको समाज को ध्यान में रख करके व्यवसाय करना चाहिए। और व्यवसाय जो है, जिससे क्या होगा, समाज को लाभ होगा, ऐसे वस्तुओं का उसको व्यापार करना चाहिए। जैसे उसमें क्या क्या उत्तरदायित्व हैं, सामाजिक उत्तरदायित्व व्यापारी के, उसको बताया गया है। देखिए, वह उत्तम किस्म की वस्तु का निर्माण करे। उत्तम किस्म मतलब अच्छा वस्तु का निर्माण करे, घटिया वस्तु का विक्रय ना करे, उत्पादन ना करें, हानिकारक वस्तुओं का निर्माण ना कर, ऐसा चीज ना बनाए जिससे जो है लोगों को हानि हो, समाज के लोगों को हानि हो, ऐसा चीज का निर्माण ना करें। उचित मूल्य, तौल, मात्रा व स्थिति या रूप में वस्तु प्रदान करें। जो भी उचित मूल्य है, मतलब जो उसको बढ़ा हुआ मूल्य में ना दे करके उचित मूल्य में सही तौल के अनुसार, सही माप के अनुसार, मात्रा के अनुसार एवं स्थिति या रूप में वस्तु को प्रदान करें। श्रमिक, चौथा है, श्रमिक एवं समाज के अन्य किसी वर्ग का शोषण न हो। उसके जो व्यापार है उससे जो है समाज के अन्य श्रमिक वर्ग का या अन्य समाज के जो निम्न वर्ग हैं वो किसी भी वर्ग का उससे क्या हो, शोषण ना हो।
ठीक। उसके बाद है पांचवा है उसके कार्य वैधानिक। वैधानिक मतलब सरकार की नज़र में वैध हो, किसी प्रकार का अवैध व्यवसाय ना हो, साथ ही साथ कर आदि का नियमित भुगतान करे। और सरकार को जो टैक्स भुगतान करना पड़ता है वो भुगतान जो है नियमित रूप से वह करे, ठीक है। इस प्रकार इन सारी चीज़ों को एक व्यवसायी को अपने व्यवसाय में शामिल करना चाहिए। इस प्रकार व्यवसाय का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है क्योंकि समस्त आर्थिक क्रियाएँ जीविकोपार्जन पर ही आधारित है और वे सभी आर्थिक सभी व्यावसायिक क्रियाएं ही है जो निम्न तालिका से स्पष्ट है। देखिए कैसे तालिका बना गया है, व्यवसाय, फिर व्यवसाय के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो व्यवसाय के अंतर्गत हमारा आता है उद्योग, और दूसरा आता है वाणिज्य, और तीसरा आता है पेशा। इसको हमेशा याद रखिएगा, काम आएगा, उद्योग वाणिज्य पेशा। देखिए उद्योग वाणिज्य पेशा, उद्योग वाणिज्य पेशा। वाणिज्य के अंतर्गत भी दो भाग में बांटा गया है, व्यापार और व्यापार के सहायक। उद्योग वाणिज्य पेशा और वाणिज्य में भी व्यापार और व्यापार के सहायक इस प्रकार से बांटा गया है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अब उसमें देखिए ये चीज़ काम आएगा आगे चल करके, मैं इसमें एक एक चीज़ों को और स्पष्ट करूँगा कि उद्योग क्या है, वाणिज्य क्या है और पेशा क्या है। ये सारे चीज़ें व्यवसाय के अंतर्गत आता है। अब आप पूछेंगे कि व्यापार वाणिज्य और व्यवसाय एक ही समान लगता है, लेकिन इसके अंतर्गत आते हैं, व्यवसाय के अंतर्गत ये सभी चीज़ें आते हैं ना। व्यापार क्या होता है, व्यापार के सहायक क्या हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। व्यवसाय के बारे में हमने पढ़ा, ठीक। आप देखिए उद्योग के बारे में भी पढ़ेंगे हम, वाणिज्य के बारे में भी पढ़ेंगे। वाणिज्य में देखिए दो चीज़ें पढ़ेंगे हम, व्यापार और व्यापार के साथ पेशा, पेशा में जो सेवाएं हैं उसके बारे में हमको पढ़नी है। फिर है देखिए नौवां जो है पॉइंट है वो है वैधानिकता। यह एक वैध क्रिया है। व्यवसाय क्या है, वैध क्रिया है। व्यवसाय के अंतर्गत की जाने वाली क्रियाएं राष्ट्र के नियमों के आधार पर होनी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वैध होना चाहिए, सरकार के जो नियम और कानून है उस नियम और कानून का पालन करते हुए कोई भी व्यापारी व्यवसाय कर सकता है, ठीक है। उसके बाद है दसवां साहस। साहस मतलब प्रत्येक व्यवसाय में जोखिम तत्व प्रधान है, अर्थात व्यापारी को लाभ भी हो सकता है और हानि भी, किंतु व्यवसाय में यही जोखिम उठाने का साहस होना चाहिए। मतलब लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकता है, उसको इन दोनों जोखिम को क्या करना पड़ेगा, इसको उठाने का साहस उसको होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें इतना ही। अब एक जो चीज़ है कि व्यवसाय का आर्थिक क्रिया है, इसके बारे में अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। देखिए यहाँ पर आप पॉइंट को याद कर लीजिएगा कि मानवीय आर्थिक क्रियाएं, विनिमय संबंधी क्रियाएं, उपयोगिता का सृजन, लाभार्जन और अनिश्चितता या जोखिम, वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान, क्रियाओं में निरंतरता, समाज को लाभ, वैधानिकता और साहस। इस प्रकार से जब बार बार रिवीजन करेंगे, तीन तीन को पकड़ पकड़ के आप रिवीजन कीजिए, ऊपर के तीन, फिर तीन, फिर तीन, इस प्रकार से, तो आपका सारा चीज़ अच्छे से याद हो जाएगा। आप मेरी बातों को अच्छे से समझिए। वीडियो में अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आता है तो बार बार उसको पीछे खिसका करके वीडियो को आप देख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, आपको सारी चीज़ धीरे धीरे क्लियर होते जाएगी। और इसी प्रकार का मैं आप लोगों के लिए व्यवसाय अध्ययन का भी वीडियो लेकर के आते रहूँगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं लगातार कक्षा 11वीं और 12वीं का अकाउंट्स का तो वीडियो लेकर आते ही रहता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि अकाउंट्स के साथ साथ व्यवसाय अध्ययन और इकोनॉमिक्स का भी वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा, क्योंकि समय कम हो जाता है जिसके कारण मेरे को वीडियो बनाने में समस्या होती है, समय नहीं मिल पाता है, ठीक है। लेकिन जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उन चीज़ों को मैं आप लोगों तक शेयर करूँगा, और धीरे 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 करके हम आगे बढ़ते जाएंगे। और आप घर बैठे अच्छे से पढ़ाई कीजिए, स्कूल में भी अच्छे से पढ़ाई कीजिए, यही मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।